फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि रिस्पिरेशन किसे कहते हैं, रिस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है और देयर आर व्हाट आर द डिफरेंट पाथवेज ऑफ डाइजेशन ऑफ पाइरूवेट। अब आते हैं रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग, कि ह्यूमन बींग के अंदर श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इसी चीज में सबसे पहले वी ऑलवेज रिस्पायर थ्रू नेसल कैविटी, हमें हमेशा नाक के द्वारा सांस लेना चाहिए, नॉट थ्रू द बकल कैविटी, माउथ के द्वारा नहीं। क्यों? एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल वगैरह जो प्रेजेंस होते हैं, जब इनहेल करते हैं तो गैस के साथ ये भी अंदर चले जाते हैं, तो हमारे नेसल कैविटी के अंदर फाइन हेयर्स होते हैं जो एयर को फिल्टर कर देते हैं। तो रिस्पिरेशन प्रोसेस ह्यूमन बींग के अंदर क्या है, वी ऑलवेज रिस्पायर थ्रू नेसल कैविटी, नॉट फ्रॉम द बकल कैविटी। बिकॉज क्यों हमें बकल कैविटी सांस क्यों नहीं लेना चाहिए, बिकॉज देर आर फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन नेसल कैविटी विच फिल्टर द एयर, जो एयर को फिल्टर कर देते हैं, एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल हैं हेयर क्या करते हैं, इनको ट्रैप कर लेते हैं। एंड म्यूकस एक तरल पदार्थ और प्रेजेंट होता है, क्या काम करता है, ये एयर को हॉट कर देता है, गर्म कर देता है, गर्म होने के कारण से एयर लाइट हो जाती है। म्यूकस विच मेक्स द एयर हॉट एंड लाइट, यानी हल्की हो जाती है गर्म होकर। देन एयर इंटर्स इनटू द विंड पाइप, तब एयर हमारे विंड पाइप में एंट्री करती है, जहां पर फूड पाइप और विंड पाइप में आने के पश्चात विंड पाइप और फूड पाइप आपस में अटैच्ड होती हैं, तो यहाँ एक लिड ढक्कन होता है जो जब हम वेन एवर वी ईट फूड ये विंड पाइप को कवर कर लेता है, सो दैट इट प्रिवेंट्स द फूड पार्टिकल्स टू इंटर इनटू द विंड पाइप, ताकि फूड पार्टिकल इंटर एयर विंड पाइप में ना कर सके। उस लिड का नाम क्या है, एपिग्लॉटिस। ए लिड क्या, एपिग्लॉटिस कवर्स द विंड पाइप एंड प्रिवेंट्स इट टू इंटर द फूड पार्टिकल्स, और इसमें फूड पार्टिकल एंट्री होने से बचाने का काम करता है, कौन, एपिग्लॉटिस। उसके बाद ट्रेकिया, जो विंड पाइप हमारे गले के अंदर, यहाँ पर छोटे छोटे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के बने हुए रिंग होते हैं। क्यों, इफ देयर इज नो एयर इन अवर विंड पाइप द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट टू विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग। देयर आर मेनी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इनकी शेप होती है शी शेप, अल्फाबेट जो इंग्लिश लेटर है शी शेप में, ये नहीं कि ओ ऐसा, ऐसा नहीं है ओ टेप टाइप में, नो सी टाइप में होती है। देर आर मेनी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन विंड पाइप, द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट द विंड पाइप टू कोलैप्स व्हेन देयर इज नो एयर, जब विंड पाइप में एयर ना हो तो
विंड पाइप को ढहने से चिपकने से बचाने काम करता कौन? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। उसके पश्चात विंड पाइप कहाँ? लंग्स में एंट्री करती है, और लंग्स में जाने के पश्चात ये फाइन नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स या फाइन ट्यूबुल स्ट्रक्चर बनाती है, कैसा? एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में। इन लंग्स द विंड पाइप चेंज इनटू थिन नेटवर्क ऑफ ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर। गुब्बारे जैसी संरचना बना लेती है, जिनको क्या बोलते हैं? एल्वियोली। ये जो है स्ट्रक्चर, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना देते हैं एल्वियोली, विच इज कॉल्ड एल्वियोली। क्या काम करती है? जिस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, सेम इसी प्रकार से लंग्स के अंदर भी एयर को स्टोर करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने काम कौन करती हैं? एल्वियोली। एल्वियोली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर स्टोरिंग द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए एल्वियोली सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। यहां से इस एल्वियोली के पास से जब ब्लड वेसल जाती हैं, इस एल्वियोली के अंदर CO2 रिलीज कर देती हैं और O2 को एक्सेप्ट कर ले जाती हैं। द ब्लड वेसल्स रिसीव द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली एंड एक्सक्रीट, छोड़ देती हैं CO2 इन एल्वियोली। एल्वियोली के अंदर ला करके CO2 को रिलीज कर देंगे और वहां से ऑक्सीजन ले जाएंगे, और जब एक्सहेल करते हैं तो इसी ऑक्सीजन CO2 को हम हीट के साथ रिलीज कर देते हैं। एंड फाइनली वी एक्सहेल CO2 विद हीट, और इस प्रकार से रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। हमारे ब्लड के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। उसका बहुत बड़ा रोल होता है। यदि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन से वो रिएक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि हीमोग्लोबिन विगरसली ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन ऑल बॉडी पार्ट में इजिली ट्रांसफर हो जाती है। यदि ब्लड में हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन के एक मोलिकुल को ट्रांसफर होने के लिए लंग्स से टो तक जाने में 3 साल लग जाएंगे। तो वो चीज शो कर देना, हीमोग्लोबिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू ट्रांसफर द ऑक्सीजन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इफ देयर इज नो हीमोग्लोबिन, एच में लिख देता हूं हीमोग्लोबिन, प्रेजेंट इन आवर ब्लड देन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स 3 ईयर्स टू ट्रांसफर फ्रॉम लंग्स टू टो।
लंग से लेकर टो तक जाने में इसको एक बॉक्सिंग अमल को 3 साल लग जाएंगे, इसलिए हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एल्विओली को जब हम एल्विओली का एरिया सरफेस एरिया फैला के देखते हैं, एल्विओली का जो सरफेस एरिया बनता है वो कितना बन जाता है 80 स्क्वायर मीटर के आसपास। एल्विओली का जब एरिया सारा का सारा एक्सपेंड किया जाता है तो इसका एरिया कितना कवर कर जाता है 80 स्क्वायर मीटर। क्लियर?